की सरकार है, नियत पे इसकी धिक्कार है। बदलाव यहाँ लाने के लिए अब हो जाओ तैयार। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का। छोटी सी चूक कई बार बड़े हादसे का कारण बन जाती है। ऐसा ही छतरपुर में हुआ। यहां वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई और कुछ लोग घायल हो गए। छतरपुर के नौगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में टैंक में वेल्डिंग के दौरान भीषण आग लग गई। इस आगजनी में ड्राइवर सहित 4-5 लोग घायल हो गए। आग लगने के आधा घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब जाके आग पर काबू पाया जा सका। हमारे संवाददाता दीपेन गुप्ता ने बताया कि एक ट्रक खाद की बोरियां लादकर हरपालपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट नगर में टैंक में वेल्डिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ। वेल्डिंग की चिंगारियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसमें क्या था कि ये वेल्डिंग कराने के लिए आया था, टैंक में डीजल था, टैंक के बगल में वेल्डिंग कर रहा था, वेल्डिंग से टैंक फट गया। फटने से 3-4 लोग जो तो घायल हो गए, झुलस गए आग से, जिनको जिला चिकित्सालय छतरपुर भिजवाया गया। उसके बाद इस टैंक की आग बुझाने के लिए दमकल को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आए और 2 फायर ब्रिगेड को बुलाकर और इनको पानी की बौछार करा के आग का नियंत्रण किया गया। इसमें माल क्या लाता था? इसमें खाद लोड है जो कि हरपालपुर जा रही है। पुकारे दिल से।